ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति का जो एस्क्रॉस गाड़ी रहता है, डीजल SSVH इंजन है उसका पीछे का जो ब्रेक रहता है, उसका जो ब्रेक पैड है वो कैसे चेंज करते हैं, उसमें थोड़ा अलग सिस्टम है तो दोस्तों उसके ऊपर आज बात करेंगे। वैसे फ्रंट का जो ब्रेक रहता है उसका ब्रेक पैड चेंज करने में कोई अलग सिस्टम नहीं है, सभी गाड़ी में सेम है ज़्यादातर। बाकी जो रियर ब्रेक दिया है उसमें दोस्तों थोड़ा अलग सिस्टम दिया है। सबसे पहले दोस्तों ब्रेक पैड चेंज करने से पहले देख लेना है इसका जो डिस्क का पोजीशन है, पूरा प्लेन है या थोड़ा बहुत घिस गया है। यदि घिसा हुआ रहेगा तो उसको लेथ के ऊपर कट करवाना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा डैमेज रहेगा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे इस केस में ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों उसका ब्रेक पैड खोलेंगे। उसको खोलने के लिए दोस्तों आसान तरीका है, ऊपर जो 14 mm का दो बोल्ट रहता है उसको खोलना ना है। और उसके बाद दोस्तों खोलने से, दोनों बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों उसका जो कैलिबर है वो बाहर आ जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं कैलिबर पूरा हमने बाहर निकाल लिया है। अभी दोस्तों ये उसका पिस्टन आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। इसको दोस्तों नया ब्रेक पैड डालने से पहले उसको पहले दबाना पड़ता है, तो दबाने के लिए थोड़ा अलग सिस्टम है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक पैड पूरा होना है। अभी यहाँ पे पिन दिया है, वो उसका वार्निंग है, वो पहले घिसता है डिस्क के साथ तभी आवाज़ करने लगता है। तब फिर से ही दोस्तों हमें ब्रेक पैड इसका चेंज कर देना है, नहीं तो पूरा डिस्क उसका घिस जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई हैंड ब्रेक का सेटिंग नहीं रहता है, ऑटो ही रहता है। अभी दोस्तों उसको चेंज करने में हमने उसका जुगाड़ किया है, यहाँ पे सी क्लैंप लगाया है आप देख सकते हैं, और उसको हल्के हल्के टाइट करना है। दोस्तों फ्रंट का ब्रेक पैड रहता है उसमें आप पिस्टन को सी क्लैंप की मदद से टाइट करेंगे तो पूरा अंदर चला जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सी क्लैंप से टाइट करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका पिस्टन है उसको क्लॉकवाइज, मतलब जो हमारी घड़ी रहती है उसके जो डायरेक्शन रहती है घूमने की, उसी डायरेक्शन पे हमें घुमाना है। मारुति की गाड़ी में दोस्तों दोनों साइड पीछे का ब्रेक रहता है, राइट और लेफ्ट दोनों में क्लॉकवाइज ही घुमाना है। यदि महिंद्रा XUV रहती है तो उसका जो लेफ्ट साइड में ब्रेक रहता है उसका पिस्टन घुमाना, आपको उसको उल्टा घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोस्तों सी क्लैंप से हमने टाइट कर दिया है, और यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और साथ में दोस्तों सी क्लैंप को टाइट करते रहना है और उसको घुमाते जाना है, तभी दोस्तों इसका पिस्टन अंदर जाएगा और हम नया ब्रेक पैड डाल सकेंगे। दोस्तों यही थोड़ा अलग से बनाया है, बाकी कॉमन चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी क्लैंप को टाइट करना है और हल्के हल्के से इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि उसकी वजह से पूरा पिस्टन अंदर चला जाएगा। वैसे दोस्तों इसका स्पेशल टूल्स भी रहता है, लेकिन यदि हमारे पास नहीं है तो ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक चीज़ थोड़ा अलग है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा पिस्टन हमने दबा दिया है, और उसका पोजीशन भी देख लेना है दोस्तों, अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ। नया ब्रेक पैड डालेंगे तो उसका पिस्टन का पोजीशन उसके बीच रहना चाहिए, तभी हमारा ब्रेक पैड और उसके ऊपर पूरा कैलिबर प्रॉपर बैठेगा। तो अभी दोस्तों हम उसका नया ब्रेक पैड डालेंगे, और साथ में दोस्तों ध्यान रहे ब्रेक सर्विस के दौरान दोनों कैलिबर पिन में ग्रीसिंग अच्छे से होना चाहिए। अभी दोस्तों हमने नया ब्रेक पैड डाल दिया है, और दोस्तों ये वाला मार्क है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन के अंदर जो बीच में हल्का सा गैप है उसके बीच बैठता है, तो हमारा पिस्टन है वो पूरा उस पोजीशन पे रखना है दोस्तों, नहीं तो प्रॉपर नहीं बैठेगा।
चलिए दोस्तों, उस मार्क को मिलाने के बाद ही दोस्तों कैलिबर को लगाना है, और आराम से हमने जैसे पहले खोला था 14 mm का 2 बोल्ट, उसको टाइट कर लेना है। बस दोस्तों इतना ही था, बाकी सब कॉमन चीज़ है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।